हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल GK24 नॉलेज पर। दोस्तों, हाल ही में कुछ ऑडियो वायरल हुए हैं दहेज को लेकर। आकोदा की बात है, लड़का सब इंस्पेक्टर है, उसकी कुछ ऑडियो वायरल हुई है। और क्या ऑडियो में बताया गया है, क्या बातें हुई है उनकी, ये तो आप जब पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और मेरा दोस्तों ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है कि HSC की काफ़ी भर्तियों का रिजल्ट आने वाला है। आप भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो लगोगे ज़रूर। HSC के हरियाणा कांस्टेबल भर्ती का भी जल्दी रिजल्ट आएगा, सब इंस्पेक्टर की भी जल्दी ज्वाइनिंग होने वाली है, और ग्राम सचिव कैनाल पटवारी का भी एग्ज़ाम होगा दिसंबर के अंदर। तो उसको लेकर उसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप भी एक सरकारी जॉब में लगोगे तो आप भी कभी भी ऐसी सोच मत रखना जैसी इन्होंने रखी है। क्या इनकी सोच थी, कैसी घटिया सोच थी इनकी, ये तो आप जब पूरी वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भी सरकारी जॉब लगने के बाद ऐसी सोच मत रखना दहेज के प्रति। जब आप सरकारी जॉब लग गए हो तो कभी भी ऐसे मांग मत रखना। आप अपनी सैलरी से साल, दो साल, तीन साल में सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ पा सकते हो। कोई भी सामान है, गाड़ी है, सब कुछ आपके पास होगी यदि आप ऐसी सोच नहीं रखोगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में बताना। हाँ जी, हाँ जी। ये सामान कौन खरीद रहे भाई? सामान है कौन सो? यो फर्नीचर आलो। फर्नीचर आलो यो बेड वुड और ये ड्रेसिंग और यो टेबल वगैरह, ये तो ये पूरे बनवाई थी अपन, बोर्ड वगैरह ले आते ना मिले थे। हैं? सोफा दूसरा ना मिला तो बढ़िया, कोई ढंग का सोफा। फिर भराई में था जी, जी भराई में तो भराई में पड़ा रहा था भराई में। ये एक बात बता, भराई कर ये सोफा ने देखी है की शक्ल है? और बेड तो और ढंग का बेड ना मिले तुमने यार? ये वो जिस जिन पसंद कराया था वो की पसंद कर हमने कर दिया। अरे जीत जी ने इसको लखन है, जीत जी ने भी वो तो कूद कर फाइनल करी थी हमने तो। हम तो एक किस्म को धक्को मार रहा छोरी का, जन तो पड़ोसी है की हो सामान देख ले। मेरा घर में सब की नीचे खाली मन बेरो नहीं थी, मैं सामान उल्टो लगवा दी। मेरा घर में सब की नीचे दे सका सामान उठाई ले जाओ तुम। मोस्टली सारी चीज हमने जीत बूथ का फाइनल करके जब करी थी। नहीं जब तार घर में गुंजाइश नहीं थी तो तमी दे दियो कागज तो गुनिया के तब नौकरी आल के देखा था इसे। हम सारी डाल बर्दाश्त करे बैठा सो हमारे गाँव ना कटा दियो। गाँव में ये दो छोरा लागे थे उनको मार के पीछे इतना आए थो। अरे ये काले आए थे पुलिस में ही से वो ये चीज पहले हो जाती ना तो हम अपनी तरफ तो ठीक से बैठ लिया। हमने तो छाती मुक्को मार लिया, कोई दिक्कत ठीक से भाई। हाँ बोल, फोन भी काट दियो। अपार था बोली। हाँ तो ये बताओ, ये भी इतनी बेइज्जती कर रहा हो तो बच्चे तो और भी बेइज्जती करो। वर्कर यार एक बात बता, मेरे तुम बता क्या चीज में पूछी थी के ना पूछी के पूछ नु बता पहले मेरे मन शर्म का डिग ना पूछी के पूछी तने ते तो बताई ना थी के बताई थी के बताई थी सारी हिंट दी थी कोई बात ना हो या मामला में के बात के एक बात कर रही है तो बात बताई ना थी मतलब तो क्या बोली थी के क्या बोली थी हाँ के बात बोला था हाँ के बात बोली थी तने मेरे तो क्या बताई थी सारी हिंट दी थी समझी को हिंट दियो तो ना मैं ना समझी तो के हुआ होगी खुद को तू तो समझने खातर के पर नोट देना पड़ेगा के तेरे पर नोट को नहीं खुल का बात करा करी तो खुल के बात या बात कान करनी चाहिए हाँ अपना करनी चाहिए तने मेरे तो पूछी थी करेटा के रह रहे मैं तेरे तो क्या बताई थी करेटा बताई थी कि ना बताई थी कि ना बताई थी उसके बाद तेरे तो मेरे टाटा रे बताई थी कि ना बताई थी अच्छा
हम और आता खुल के बात होगी। और जय दिन वो छोटो बैसा सर्विस खातर गाड़ी एजेंसी में जा रहा था, जब मैंने के पूछी थी बात वो दिन के बात हुई थी, वो दिन के बात हुई थी, वो दिन बोले छोटू कह यार दोस्त की गाड़ी लेकर सर्विस करना लेना रहे, मैंने पूछी थी ना मेरे पापा कह के गए थो या और बात हुई थी, तेरे पापा कह के गए थे एजेंसी में देख आई गाड़ी कैसा मैं दे दूं। कान कही थी, कान कही थी ये बात, क्या बात आपका नाथ आई है बात, क्या बात क्या कान कही है बात, अरे कही यह बात कौन कह यह बात मेरे कान आई है ना, वो तो मैं कौन कह रहा हूँ ना तेरे घर में कौन कह रहा है बात, और फिर ना गाड़ी उनकी जगह करेटा जगह ये दे रहा था वो मके दिक्कत कौन सी, ये मेरी बात सुने, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर, महीना का 17,000 रुपया ले रहा हूँ मैं ठीक से, ये जो ये जो टुची पुची गाड़ी है ना ये मेरे घर आके खड़ी हो जाए हूँ रे, आई बात समझ में, हाँ अरे देनी थी ना तो कहीं कहे दे दियो, कहीं कहे क्यों दे दियो, हाँ तो तू मारे क्यों दे दियो फिर ये चीजें हैं, ब्याह आपका घर में हो रहा है मेरे साथ ठीक है, हाँ तो हाँ तो जब तेरे साथ हो रहा है ना तो वही हिसाब से चीज देनी चाहिए, आई समझ में, जब शुरू में बात हुई थी एक रुपया मेरी बात सुन ले, हमने मेरी जीजी को ब्याह करो तो बात 1 रुपया की हुई थी ठीक से, तेरा बाप का जमीन में टिक रहे हैं कि 1 रुपया जोगा है, हूं तेरे तम बेच बड़ी बड़ी बहुत भैको लंबी लंबी हमनु न फिर इस हिसाब से तुमने ब्याह ना करना, अपना देख ले बता दे अपना बाप जो कि कहना है हाँ ठीक है हाँ ठीक।